अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जहाँ से भी लोग दिल्ली से मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, जामिया नगर से भी आए हैं, जाफराबाद से भी आए हैं, सिलमपुर से भी आए हैं, खजूरी से भी आए हैं, तिलकपुरी से आए हैं, सबका मेरे दिल से सलाम है। सबको, पूरे दिल्ली से जितने लोग आए हैं सबको सलाम है मेरा। ऐसे जज्बा रखना पड़ेगा, जज्बे के साथ साथ अपना होश भी रखना पड़ेगा, सरकार से मुतालबा करना पड़ेगा, वरना में जो न सहार हुए आप सोचिए कि क्यों हुए हैं। कभी पढ़िएगा, क्योंकि पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। अब जो हो गए हैं और हो रहे हैं, हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज ये है कि 40,000 जो मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में आकर रह रहे हैं, उनको बचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो याद रखिएगा, हश्र के मैदान में आप जब जाएंगे तो आपसे ये सवाल हो, ये रोहिंग्या मुसलमान जिनको सरकार यहाँ से भगाना चाह रही है, वो आपके गिरेबान पकड़कर आपसे सवाल करेंगे। करेंगे, ये दावा के साथ में बोलता हूँ कि करेंगे, क्योंकि वो वहां से वापस आए थे तो इसलिए आए थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान की तादाद किस को होगी, वो हमारी हिफाजत कर लेंगे, हमें बचा लेंगे। हम घरों में सोए हुए आज तादाद में भरा है, मैं शुक्रिया इस बात का कर रहा हूँ। घरों में सोए हुए उनके कानों में ये बात डाल दीजिएगा कि जिस दिन हश्र के मैदान में उनकी दादू आपके गिरदान पकड़ेगी तो क्या जवाब दीजिएगा, इसका भी सोच लीजिएगा। सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, आप जानते हैं कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा दाखिल कर दिया। क्या करती है कि ये रोहिंग्या मुसलमान जो है 40,000 की जो तादाद में रहते हैं, वो रहेंगे तो खतरा हो जाएगा, दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, आतंकवाद बढ़ जाएगा। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ यहाँ के आवाज से, ये मीडिया के आवाज से, मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी को, सुनो नरेंद्र मोदी, अगर तुम्हारी इससे आतंकवाद बढ़ जाता है तो आतंकवाद पाकिस्तान से आगे हिंदुओं से भी बढ़ता है। सुनो नरेंद्र मोदी, आतंकवाद बढ़ता है तो अगर आतंकवाद बढ़ता है तो तू तक से आए व्यक्ति मजदूर से भी बढ़ता है। तुम मुसलमान के नाम पर अलग नहीं कर सकते, ये क्यों मना कर सकते, कैसे कर सकते हैं? हम आंखों में आंखें डाल कर उनसे मुकाबला करें, इंशाल्लाह जब तक करेंगे जब तक उनको रिलीज नहीं किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ये उनकी कोर्ट बन गई है, जब तक आवाज नहीं उठाइएगा वो भी नहीं देखती कि आवाज उठा रहे कि नहीं उठा रहे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, आर्टिकल 14 आप पढ़िएगा, ये इजाजत नहीं देता कि दूसरे कंट्री से लोग आए, आप ऐसी भेज दीजिएगा, नहीं भेज सकते। आप भेजना चाहते पाकिस्तान चाहे हिंदू को भेजिए, भेजना चाहते यहाँ चाहे पारसियों को भेजिए, मुसलमानों को भेजिए, ये मुतालबा करना है और हिम्मत के साथ करना है। ये पहली प्रोटेस्ट दूसरी प्रोटेस्ट नहीं है, जब तक ये मामला सलेक्ट नहीं जाता तब तक खड़े रहना है, खड़े रहना है, खड़े रहना है। क्योंकि आज दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सॉल्व करनी है, बहुत लोग हैं भाई की सारा बार बार आ रही, बहुत बातें करने की दिल में, मैं बहुत पढ़ा था इसके बारे में, दर्द है, रो रहा था दिल मेरा, 7 दिन से इसके लिए मेहनत कर रहा था पूरे अपना में कि लोग ज्यादा तादाद में आ जाए, लोग बता रहा था क्या हालात थे। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, तस्लीमा नसरीन कुतिया के नाम आप जाने होंगे, वो इस्लाम के खिलाफ बोलती है, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार उनको गले लगा लेती है। क्यों गले लगा लेती है जानते हैं? क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानती, इसलिए गले लगा लेती है। तारीख पता है पाकिस्तान से, मीडिया वाले चैनल लोग पूरे उसको इतने हीरो बना दिए। ये मत सोचिए 90% मीडिया ये मोदी के गुंडे हैं, ये सरकारी गुंडे हैं मीडिया, जो मुसलमानों को आज सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचा रहे। क्या जरूरत थी उसको टीवी पर यहाँ दिखाने के लिए? ये नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत किस नाशक कर रहे हैं? मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि नफरत किस नाशक कम कीजिए, नहीं तो हमारे नौजवान जैसे हमारे नौजवान रोड पर आएंगे, कुर्बानी देना होगा तो देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।